नमस्कार, मैं मंजू शेखावत। तो आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा। रेसिपी बहुत पुरानी है लेकिन हर त्यौहार पे बनती है, तो चलिए बनाते हैं। मैंने 4 से 5 घंटे के लिए मूंग की दाल भिगो कर रख दी थी। लगभग 500 ग्राम मूंग की दाल ली है और 250 ग्राम के आसपास मैंने देसी घी लिया है। इसमें मूंग की दाल पीस ली, बारीक पीसी है मैंने, और अब घी में मैंने मूंग की दाल डाल दी है। और इसे लगातार हमें चलाते रहना है ताकि नीचे चिपके नहीं बिल्कुल। आपने अगर छोड़ दिया एक बार भी चलाना तो नीचे चिपक जाएगी और फिर इसकी जो स्मेल है दाल की वो हलवे में अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसे लगातार चलाते रहें। बिल्कुल अब खुशबू आने लगी है, दाल हमारी लगभग सिक चुकी है, गुलाबी रंग हो गया है दाल का। अब ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे और चलाते रहेंगे। थोड़ी सी किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। अब डालेंगे हम 250 ग्राम के आसपास मावा है जो मैंने घर पर ही तैयार किया था दूध का, क्योंकि त्योहारों पर मार्केट का मावा अच्छा नहीं होता, इसलिए शुद्ध वही रहता है जो आप अपने घर पर बनाते हैं। तो इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए सेक लेंगे मावे को भी। सेकने के बाद इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और देर तक टिकता है। अब इसे रखेंगे एक साइड में, लेंगे दूसरा बर्तन। 350 ग्राम के आसपास पानी है, 250 ग्राम मैंने यहाँ चीनी ली है। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे उबालेंगे अच्छे से, चाशनी तैयार नहीं करनी। थोड़ा पीला रंग या केसर इसमें मिलाएं, थोड़ी सी इलायची पाउडर, और बस 1-2 उबाल आने के बाद इसे उतारेंगे और जो हमारा तैयार हलवा है उसमें मिलाएंगे। आप गैस को बंद कर देंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा हलवा, खिला खिला हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस हलवे को घर पर बना सकते हैं और त्यौहार एंजॉय कर सकते हैं। त्यौहार हो या कोई भी ओकेज़न, हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है मूंग की दाल का, जो सभी को बहुत पसंद आता है। तो आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।